नमस्कार दोस्तों, एम के वीडियोज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पैलेट मिल जो होता है उसका जो मेन बेयरिंग होता है उसे कैसे चेंज करते हैं। पूरा प्रोसेस देखिए। ये हमारा पैलेट मिल है, जैसा कि आपको पता है डाई और रोलर को पहले निकालना पड़ेगा। ये डाई रोलर लगे हुए हैं, पहले हम इसको निकालेंगे। ये हमारा डाई और रोलर निकल चुका है। उसके बाद ये पूरा जो अंदर का है, ये हमारा मेन सॉफ्ट है, हम इसको निकालेंगे। पीछे से हम पूरे जो नट बोल्ट जितने भी लगे हुए हैं उनको पूरा सब निकाल के इसे पूरा फ्री कर देंगे। फ्री होने के बाद ये देखिए पूरा बेल्ट जो है, हम इसे पूरा बेल्ट को भी निकाल रहे हैं। निकालने के बाद ये पूरा हम इसको फ्री कर देंगे। उसके बाद इसे बाहर निकालने के बाद हम इसमें बेयरिंग को लगाएंगे। टोटल इसमें अभी तो हमारे जो है 11 बेल्ट लगे हुए हैं, तो हम इसे निकाल रहे हैं। पुल्ली से सबको एक एक बेल्ट को अलग किया जा रहा है। पीछे का जो आउटर रिंग है उसके साथ में जो है हमारा जो मेन सॉफ्ट है वो बाहर निकलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर पूरा बेल्ट निकलने के बाद हमें जो ये पुल्ली है बड़ा सा, इसको फिक्स करना पड़ेगा ताकि अपने जगह से हिले मत। तो उसको हम नट बोल्ट के थ्रू इसको फिक्स कर देंगे ताकि अपने पोजीशन से कहीं हिले मत। दोबारा हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो सॉफ्ट को फिर से दोबारा जब हम लगाएंगे, तो इसलिए हम इसको पूरा फिक्स कर देंगे बोल्टिंग के थ्रू। तो ये देखिए दोनों साइड दिए हुए हैं, तो उसको फिक्स करके एज इट इज़ ही अपनी जगह पे स्टे रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। ये होने के बाद इसको पूरा सटा देंगे हम थोड़ा सा ताकि सेफ रहे, हमें स्पेस मिले ज़्यादा। ये हमारा लग गया, इसको पूरा हम सटा रहे हैं। अब ये होने के बाद हमारा यहाँ से जो है जो सॉफ्ट है वो हम उसको बाहर करेंगे। तो चेन पुली के थ्रू हम इसे यहाँ पे बांधेंगे। नहीं देखिए यहाँ पे लकड़ी के थ्रू हमने इसको फिक्स कर दिया, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉफ्ट को जो है चेन से बांध के अब इसे खींचेंगे बाहर, तो ये पूरा सॉफ्ट जो है वो आउटर रिंग के साथ, सॉरी इनर रिंग के साथ में ये पूरा बाहर आएगा सॉफ्ट जो है। और सॉफ्ट में दो बेयरिंग लगे हुए हैं, तो एक छोटा बेयरिंग लगता है एक बड़ा बेयरिंग लगता है, तो उन दोनों को हम निकाल के चेंज करेंगे। काफ़ी साल चलता है ये, तकरीबन 3 साल के आसपास। उसके बाद थोड़ा दिक्कत करता है, जब आपका बेयरिंग आपको पता चल जाता है तब इसे चेंज करना पड़ता है। काफ़ी हैवी है ये, तकरीबन 500 केजी के आसपास इसका वेट होगा, इसलिए जब भी आप इसमें कुछ काम करें तो बहुत ही सावधानी के साथ करें ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, हाथ पैर में किसी को चोट ना लगे। जितनी ज़्यादा सेफ्टी हो सके रखिए। ये चेन पुली हमने लगाया हुआ है, उसके थ्रू हम इसको बाहर खींच रहे हैं और ये धीरे धीरे अपने जगह से बाहर आते जाएगा। इसका यहाँ से देखिए काफ़ी निकल चुका है, ये देखिए इतना सॉफ्ट बाहर आ चुका है। और थोड़ा सा खींचेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमने उसको दूर में लगा के फिर से इसे खींचने का बंदोबस्त किया। काफ़ी वेट होता है तो इसलिए इसे थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़्यादा बरतिएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक से हाथ पैर में चोट लग सकती है। देखिए बाहर कैसे आते जा रहे हैं, एकदम लास्ट पोजीशन पे आ चुका है, बस ये गिरने वाला है।
ये देखिए पूरा निकल गया, बीच का थोड़ा वीडियो लॉस हो गया हमारा, बट ये जो है निकल के बाहर। अब बाहर निकलने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर में एक ऊपर में लगता है बेरिंग और एक उसके जस्ट नीचे में, ये देखिए पूरा पुल्ली से बाहर आ गया। पुल्ली यहाँ पे जो है हमारा सॉफ्ट इसके अंदर से पूरा रहे रहता है, यहाँ पे कोई इसमें दिक्कत तो नहीं रहता है, एज इट इज अपनी जगह पे है। दोबारा हम जब डालेंगे तो इसमें एक बार इसको साफ ज़रूर कर लेंगे, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें पता चल जाएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, दोबारा फिर इससे हम चेन पुली के सहारे उठा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अब इसके हैं इसमें हमें एलन की लगे हुए हैं तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो अब इसे हम उल्टा करके, काफ़ी साल हो गए हैं तो इसको थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल के हमें उसे साफ़ करना पड़ेगा, और जंग के कारण पूरे जो होल हैं वो सब जो एलन की का जो जगह है ये सब देखिए आप मार्क आ गया है। तो यहाँ पे अब ये की निकालना बहुत मुश्किल है की से, तो इसे हम वेल्डिंग करके जो वेल्डर हैं उसको बुलाएंगे, वेल्डिंग के थ्रू पूरे जो बोल्ट हैं 6 बोल्ट लगे हुए उसे निकालेंगे। इसके निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पे बेरिंग का काम चलेगा, एक यहाँ बेरिंग छोटा बेरिंग जो है वही पीछे लगे हुए, उसके थोड़ा सा आगे में बड़ा बेरिंग लगा हुआ है, दोनों को ही हमें चेंज करना है। इसलिए हम इसको खोल रहे हैं, खोलने के बाद देखिए बेरिंग यहाँ पे लगे हुए, अब ये जो बेरिंग है वो निकल नहीं रहा है इसलिए हमें इसे गैस कटर से काटना पड़ा। काफ़ी अपने जगह पे बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है ये काफ़ी साल होने के बाद, तो ये निकालना इतना आसान नहीं होता इसे, तो वेल्डिंग और कटर मशीन के थ्रू हमें इसे निकाल दिया हमने। निकालने के बाद ये देखिए दोनों ही हमने निकाल दिए, ये पूरा हमारा देखिए सॉफ्ट जो है टी सॉफ्ट टी के आकार का है, ये सामने में एक लगे रहता है पीछे में, ये जो है उसकी जो लॉक है ऑयल सील है, नया ऑयल सील हमने यहाँ पे लगाया है। ये बेरिंग है देखिए, अब इस बेरिंग को हमें लगाना है, बेरिंग इस टाइप की होगी। तो लगाने से पहले बेरिंग को हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमारा वीडियो लॉस हो चुका है, तो थोड़ा सा जो बेरिंग आप नया लगाएंगे उससे पहले आप ऑयल में गर्म कीजिएगा। ये देखिए आप जैसे कि एक बड़ा सा आप कुछ बर्तन ले लीजिए, उसमें मोबिल ऑयल वगैरह डालिए और उसमें जो बेरिंग है उसे डाल के थोड़ा देर हीट कीजिए, गर्म करने के बाद आप इस पर लगाइए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो लॉस हो गया था इसलिए यहाँ पर जो है मेन बेरिंग जो बड़ा बेरिंग होता है वो लग चुका है गरम गरम एकदम, जब वो गरम रहेगा तब उसे आप पकड़ के इसमें तुरंत लगाएंगे डालेंगे तो अपने आप डल जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली बेरिंग को आप अगर डालना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा पहला बड़ा बेरिंग लग गया है इसमें, अब जो है ये देखिए नट बोल्ट भी हमारा पहले से जो निकल गया था ये फ्रेश बोल्ट जो है वो लग रहा है, देखिए पूरे जगह को साफ करके फ्रेश बोल्ट लग रहे हैं यहाँ पे। एज इट इज़ हम जैसे जैसे निकाले थे वैसे वैसे हम इसे फिट कर रहे हैं। ये देखिए जो एलन की लगे हुए एलन की बोल्ट है, ये लगने के बाद हम इसे वापस मोड़ रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, पीछे का बेरिंग जो है वो हमें लगाना है। तो सेम प्रोसेस उसका भी है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो काम किया वो काफ़ी वो था, ऐसा मत कीजिएगा। ये देखिए जो बेरिंग था उसे फिर दोबारा इस छोटे बेरिंग को भी हमने गर्म किया और इसे एज इट इज़ तुरंत ला के हमने इसमें लगा दिया, तो ये अपने आप डल गया इसमें। अब इस पर हम इसे थोड़ा सा चेन हथौड़ी से ठोक के अपने जगह पे इसे फिक्स करेंगे ताकि अपनी जगह पे पूरा बैठ जाए, तो उसके बाद उसका कवर वगैरह ये देखिए सब लगा के तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद जैसे जैसे हमने इसे निकाला था वैसे वैसे हम इसे दोबारा ले देखिए इसका प्लेट लगा रहे हैं।
तो मेन जो हमारा ये प्रोसेस था ना, इसमें आपको मेन यही था कि जो बेयरिंग लगाने से पहले आपको उसे ऑयल में डाल के हीट करना है, तो आपको इजी पड़ेगा और इजीली वो लग जाएगा। तो वो आपको मैं दिखा नहीं पाया, बट नेक्स्ट कभी होगा तो आपको ज़रूर उसको दिखाऊंगा मैं। ये थोड़ा सा टाइट हो रहा था, इसे थोड़ी मार के हम इसे लॉक कर रहे हैं, इसका जो प्लेट है। तो मेन वही, उसे आप गर्म कीजिएगा, बेयरिंग को गर्म करके आप उसे तुरंत सॉफ्ट में डालिएगा, तो अपने जगह पे वो लग जाएगा। ज़्यादा कोई बड़े बात नहीं है, बट ये सेफ्टी देखिए, यहाँ पे सेफ्टी के बिना ये सब काम कर रहे हैं। इस तरह से मत कीजिएगा, अगर हाथ पैर में कहीं भी अगर ये गिरता है तो काफ़ी चोट लगेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं, चैन पुली लगाइए, उसे आप इजीली मूव कीजिए, आपको जो करना है थोड़ा दूर खड़े होके। अब जैसे जैसे हमने इसे निकाला था वैसे वैसे हम इसे लगाएंगे, और इसे पुली और उसमें उसके जो होल है उसमें हम डाल के इसे दोबारा वापस अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद इसे फिर नट बोल्टिंग के थ्रू पूरा फिक्स कर देंगे, देन ये हमारा फिर चालू हो जाएगा। काफ़ी बड़ा है तो वेट बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए इसमें सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अप्रॉक्स 500 केजी से ऊपर का वेट है। आप भी अगर इस तरह से कहीं काम कर रहे हैं तो आपके लिए बस बताना था आपको कि इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज किया जाता है जो मेन बेयरिंग होता है, किसी भी फ्लूइड का मशीन होती है उसमें इसी तरह का प्रोसेस होता है। ये लग जाएगा हमारा, लगने के बाद फिर हमारा जो पैलेट मशीन तैयार हो जाएगा, और फिर से आप वो स्मूथली आप उसको फिर रन कर सकते हैं, वो काफ़ी स्मूथ होगा। ये देखिए पूरा लग गया हमारा। अब ये क्या, अब ये पहले जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था अब वो फ्री होके अपना काम करेगा।